कैनेडियन वजीर आजम की क्लस्टर बमों के इस्तेमाल से मुखालफत। ट्रूडो का कहना है कि कैनेडा क्लस्टर बमों के बैन अलावी माहदे की पासदारी करता है। कैनेडा का लिटोया में नेटो मिशन में फौजियों की तादाद बढ़ाने का ऐलान। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में हुकूमत का माहौल दोस्त तवानाई से मुतालिक बड़ा फैसला। सूबे में काबिल तजदीद तवानाई की अपनी हिकमत अमली का ऐलान कर दिया। हिकमत अमली में सूबे में दो जौहरी मनसूबे भी शामिल हैं। कैनेडा में महंगाई ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। 46% कैनेडियन को महंगाई के सबब जहनी मसाइल का सामना। 48% कैनेडियन माली मसाइल के सबब बेख्वाबी का शिकार। तुर्क सदर ने कहा है कि स्वीडन की नेटो रुकनियत के लिए तुर्की को यूरोपीय यूनियन में शामिल करना होगा। अमरीकी सदर का कहना है कि यूक्रेन नेटो का रुकन बनने के लिए अभी तैयार नहीं। सेक्रेटरी जनरल नेटो का कहना है कि तुर्क सदर ने स्वीडन की नेटो में शमूलियत पर आमादगी जाहिर कर दी। अमरीका में एक तरफ बारिशें और सैलाब, दूसरी जानब हीट वेव का खतरा, शदीद गर्मी की लहर। अमरीका भर में 5 करोड़ अफराद के मुतासर होने का अंदेशा। भारत में बारिशों और सैलाब से तबाही, हलाकतों की तादाद 37 हो गई। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कनाडा इस बात पर सख्ती से बहस जारी रखेगा कि क्लस्टर बमों को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, जबकि अमेरिका ने ऐलान किया कि वो रूस के खिलाफ यूक्रेन की जंगी कोशिशों में मदद के लिए असलहा भेज रहा है। ट्रूडो ने नेटो के फौजी इत्तेहाद के सरबराही इजलास के मौके पर लिटोया में सहाफियों को बताया कि कनाडा एक ऐसे बैन अलावी माहदे की पासदारी करता है जिसमें ऐसे धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल पर पाबंदी है जो छोटे बमों को वसी खित्तों में फैलाते हैं। वजीर आजम ने कहा कि कनाडा उन ममालिक में से एक है जिसने क्लस्टर गोला बारूद पर पाबंदी की बैन अलावी कोशिशों की क्यादत की और वो अपने मौकफ पर बहुत मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने फ्रांसीसी जबान में मजीद कहा कि क्लस्टर बमों को कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ट्रूडो ने इस मामले पर बात की जब उनसे पूछा गया कि क्या वो बाइडन इंतजामिया पर दबाव डालेंगे कि वो क्लस्टर बम ना भेजें या यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से कहें कि वो इन्हें इस्तेमाल न करें। दूसरी जानिब वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया कि कनाडा अपने दस्ते में 1200 फौजी अहलकारों को शामिल करके लिटोया में नेटो मिशन में अपने ताउन के हजम को दुगना करने का इरादा रखता है। ये बाल्टिक मुल्क में मुस्तकिल मौजूदगी पैदा करने के लिए फौजियों और कुछ नए आलात की बतदरीज तैनाती होगी। कनाडा का सूबा ओंटेरियो तेजी से बढ़ती हुई बिजली की तमाम जरूरियात को आलूदगी से पाक जराए से पूरा करने के लिए काम कर रहा है, जिसमें नई काबिल तजदीद पैदावार को महफूज बनाने का मंसूबा भी शामिल है, लेकिन कुदरती गैस पर रोक लगाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ओंटेरियो के वजीर तवनाई टुड स्मिथ ने 2030 से 2050 के लिए ग्रिड तैयार करने की हिकमत अमली का ऐलान किया। इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम ऑपरेटर प्रोजेक्ट्स ओंटेरियो की बिजली की तलब वसत सदी तक दुगनी हो सकती है और अगले इकदाम में नई हवा, शमसी और पन बिजली की तलाश शामिल है। स्मिथ का कहना था कि अगरचे हमें आज तामीर शुरू करने की जरूरत नहीं है, हुकूमत और तवानाई के शोबे में काम करने वालों को फौरी तौर पर मंसूबा बंदी शुरू करने की जरूरत है, लिहाजा हमारे पास नए साफ सिफर के अखराज के मंसूबे हैं जब हमें उनकी जरूरत हो। इस हिकमत अमली में पिछले हफ्ते ऐलान करदा दो जौहरी मनसूबे भी शामिल हैं। झील हॉरन के किनारे ब्रस पावर में एक नया बड़े पैमाने पर जौहरी प्लांट और टोरंटो के मशरक में डार्लिंगटन जौहरी प्लांट के मकाम पर 3 नए छोटे मॉड्यूलरी रिएक्टर। स्मिथ ने कहा कि वो मंसूबे
जो 60 लाख घरों को बिजली फराहम करने के लिए काफी हैं। सूबे को बिजली पैदा करने के लिए कुदरती गैस पर इन्हिसार खत्म करने में मदद करेंगे, लेकिन 2027 में पाबंदी का अहद करना और 2050 तक कुदरती गैस को खत्म करना वफाकी हुकूमत पर मुनहसर है कि वो बिजली पैदा करने में मदद कर रही है। तवक्को है कि सूबे को आने वाले बरसों में बड़की गाड़ियों के वसी इस्तेमाल और मैन्युफैक्चरिंग से बिजली की बढ़ती हुई तलब का सामना करना पड़ेगा। कनाडा में महंगाई ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी है, चूंकि मुल्क बढ़ते हुए अखराजात और महंगाई से दो चार है। एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि मुसलसल छठे साल पैसा कनाडा के लोगों के लिए, खास तौर पर नौजवान कैनेडियंस के लिए दबाव का बुनियादी जरिया है। एफपी कनाडा की जानिब से लेजर के कराए गए एक सर्वे के मुताबिक 18 से 34 साल की उम्र के तकरीबन निसफ नौजवान अखराजात के हवाले से सबसे ज्यादा दबाव का शिकार है, जबकि 46% को जहनी सेहत के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ 65 और इससे ज्यादा उम्र के कैनेडियन कहते हैं कि वो दूसरे उम्र के ग्रुपों के मुकाबले में पैसे से मुतालिक तनाव की निस्बतन कम सतह का तजिया करते हैं, जिसमें 28% माली तनाव की इत्तला देते हैं। ताहम सर्वे के नतीजे से पता चलता है कि पैसे से मुतालिक खदशात सिर्फ नौजवान कैनेडियन तक महदूद नहीं है। दर हकीकत सर्वे में शामिल 2000 से जायद कैनेडियंस में से 40% ने 2023 में पैसे से मुतालिक अहम तनाव और खदशात का इजहार किया है। ये 2022 के मुकाबले में 2% इजाफे की नुमाइंदगी करता है। सर्वे में कैनेडियनों की मजमू फलाह बहबूद पर माली चैलेंजेस के वसी असरात पर रोशनी डाली गई है, और ये कि कैनेडियनों के एक बड़े हिस्से ने मनफी असरात का तजर्बा किया है, जिनमें बेचैनी, डिप्रेशन और माली तनाव के जहनी सेहत के चैलेंजेस शामिल हैं। तकरीबन निसफ कैनेडियन ने कहा कि 2023 में माली परेशानियों की वजह से उनकी नींद खत्म हो गई है। ये 2022 के मुकाबले में 5% ज़ायद है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा है कि अगर यूरोपीय ममालिक तुर्की की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के लिए आमादा हो जाएं, तो वो नेटो में स्वीडन की रुकनियत की मंजूरी दे सकते हैं। जबकि नेटो सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि तुर्क सदर ने स्वीडन की नेटो में शमूलियत पर आमादगी जाहिर की है। आलमी मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर ने मगरबी फौजी इतिहाद नेटो में स्वीडन की रुकनियत तुर्की के यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने से मशरूत की है। तैयब उर्दवान की जानिब से ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब वो लिथुआनिया के दारुल हुकूमत वेल्नियस में नेटो के इजलास में शिरकत के लिए रवाना हो रहे हैं। उर्दवान का कहना था कि तुर्की 50 साल से यूरोपीय यूनियन के दरवाजे पर इंतजार कर रहा है और नेटो के तकरीबन तमाम रुकन ममालिक यूरोपीय यूनियन के रुकन बन चुके हैं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल रजब तैयब उर्दवान ने अमरीकी सदर जो बाइडन से टेलीफोनिक राब्ता किया था, जिसमें उन्होंने बाइडन से नेटो इजलास में तुर्की के यूरोपीय यूनियन में शामिल होने पर तमाम नेटो रहनुमाओं की वाज़ेह हिमायत का मुतालबा किया था। अपने बयान में नेटो सेक्रेटरी जनरल ने तुर्किया की रजामंदी को तारीखी दिन करार देते हुए कहा कि सदर उर्दवान ने स्वीडन की शमूलियत के मामले को कौमी असेंबली को भेजने और तौसीक को यकीनी बनाने पर रजामंदी जाहिर की है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि वो समझते हैं कि नेटो में इस बारे में इत्तेफाक राय नहीं है कि आया यूक्रेन को नेटो में शामिल करना है या नहीं। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक अमरीकी सदर का मस्कूरा बाला बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब वो लिथुआनिया में नेटो के सरबराही इजलास में शिरकत करने वाले हैं, जहां यूक्रेन की रुकनियत के साथ साथ स्वीडन से मुतालिक भी बातचीत की जाएगी। उनका कहना था कि मेरे ख्याल में हमें यूक्रेन के लिए कोई और रास्ता निकालना होगा, जिससे नेटो में शामिल होने के लिए उसे क्वालिफाई किया जा सके। नेटो मेंबरान की जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे का दिफा करें, लेकिन यूक्रेन फिलहाल हालत जंग में है और इसे इन हालात में नेटो में शामिल करना शायद सही फैसला ना हो। भारत में बारिशों के साथ सैलाब ने तबाही मचा रखी है, जहाँ हलाकतों की तादाद 37 हो गई है, जबकि अमरीका में जहां एक तरफ शदीद बारिशों के बाइस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, वहां दूसरी जानिब हीट वेव का भी खतरा पैदा हो गया है। शदीद गर्मी की लहर से अमरीका भर में 5 करोड़ अफराद के मुतासिर होने का अंदेशा है। कैलिफोर्निया के जनूबी और वस्ती इलाकों के लिए ज्यादा गर्मी पड़ने की वार्निंग जारी कर दी गई। मजीद बरां लॉस एंजलिस काउंटी के कुछ हिस्सों में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया, टेक्सास और फ्लोरिडा में रवां हफ्ते शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। एरिजोना, नेवाडा, मैक्सिको में भी पारा बढ़ने लगा, जबकि दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने की तवक्को की जा रही है। दूसरी जानिब भारत में बारिशों के साथ सैलाब ने तबाही मचा रखी है, जहां हलाकतों की तादाद 37 हो गई, जबकि मजीद हलाकतों का भी खदशा है। भारत में हालिया बारिशों से नशेबी इलाके बुरी तरह मुतासिर हुए हैं।
शदीद बारिशों के बाइस नई दिल्ली में स्कूल बंद कर दिए गए। हिमाचल प्रदेश में सैलाबी पानी पुलों और मकानात को भी बहा कर ले गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत कई इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। मुख्तलिफ रियासतों में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मजीद हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया गया है।